यहाँ पे मनाली की शाम की चाय एंजॉय करते हुए, काफ़ी शानदार ठंड में चाय का मज़ा कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, एक नंबर गजब। प्लूटो नाम है हमारा बेटा, बहुत नेपाल का बना हुआ है, तो ये क्या है, अच्छा होता है, प्रोफेशनल हो गया, यहाँ भी प्रोफेशनल हो गया, इस पर नहीं अभी आया है। और हम जिस ट्रिप के पर्पस से आए हैं वो है वर्क फ्रॉम होम पर्पस के, कि हम यहाँ पे काम करेंगे और हमें जब भी टाइम मिलेगा हम लोग घूमेंगे। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है, हमें नहीं पता कि हमारा काम पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस कर पाएंगे या नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। डेवन काफ़ी अच्छा गया था, हमने काफ़ी जर्नी की है डेवन पे, और उसके बाद जो रात 12 बजे से जो नींद आई, सुबह हम लोग 9 बजे उठे डायरेक्टली, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक। अभी आ गए हम लोग शॉपिंग करने के लिए, और हमने एक टी शर्ट पसंद किया है, जो कि ऑब्वियसली जहाँ जाते हो वहाँ का टी शर्ट लेते हो। और ये भाई साहब टी शर्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों हमने अभी तक शॉपिंग किया है 2 टी शर्ट, जो कि पैटर्न सेम है, हमें और कोई पैटर्न पसंद नहीं आ रहा था। और ये कैप लिए, हिमाचल आए हैं तो हिमाचल का कैप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और हमारे साथ यहाँ पे पैटर्न काफ़ी तरह के हैं, जो कि ये जो टी शर्ट देख सकते हैं वो जो हाथ से काम किया हुआ है, और ये भी दोनों हाथ से काम किया गया टी शर्ट, और ये सब पूरा रबर पेंट है, ये सारा रबर पेंट है। और ये टी शर्ट जो कि हमने परचेस किया है, मतलब यहाँ पे आके आप देख सकते हो काफ़ी शानदार कुर्ते, यहाँ पे थोड़ा जैकेट और यहाँ पे बैग, हैंड बैग, थोड़ा काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए, इसका आया समय के 2-3 घंटे तो खाली बनावट बनावट में लग जाता है, बड़ा सही बड़ा बन जाएगा। ठीक लग रहा है, पहन के देख लो, हेम का है ना, थोड़ा सा हेम सब नहीं है ना, बता रहे कि हेम सब रहेगा, देखो हेम सिर्फ इतना है, ये सब हेम नहीं, इधर हैवी कॉटन माना जाता है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि नेपाल का बना हुआ है ना, नेपाल का, हाँ, तो नेपाल का बना हुआ है, तो ये क्या है, इसका अच्छा होता है, प्रोफेशनल लोग यहाँ भी प्रोफेशनल लोग इस पर नहीं अभी आया है, बना रहा है, लेकिन टेढ़ा बाका जैसे जैसे बन जा रहा है, शॉल वगैरह बनाते हैं, शॉल वगैरह, शॉल देखते हैं, शॉल पश्मीना शॉल का मेरा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, देखिए देखिए पश्मीना शॉल नेपाल में कौन सा जगह पता है, थेमेल, देखिए ये पश्मीना शॉल जो है काठमांडू से लाया हुआ है, वहाँ मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद एम्ब्रॉयडरी डाल दिया, मतलब है इसमें बहुत, अब नहीं बेचते हैं क्योंकि होता क्या है ना कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, एक मैडम कितने का होगा ये, 500 से ज़्यादा दे ही रहते हैं हमारे, इसका 9 साल नेपाल से एक्सपोर्ट करते हो, काफ़ी सॉफ्ट है ये, इम्पोर्ट करते हो, हाँ पश्मीना हल्का बहुत होता है, देखिए बहुत लग्जरी माना जाता है, लेकिन तो ये सर्दी कवर करती है, सर्दी तो कवर करेगी, ऐसे क्या बात है, पगला है, मतलब पश्मीना के बारे में आप पश्मीना जाओ आप उसके बाद देखो, पश्मीना के शॉल मैंने सुना है वो कश्मीर में होता है ना, कश्मीरी शॉल होता है, कश्मीर में नहीं होता है, हर जगह होता है, इंडिया आपके जाइए वहाँ भी बहुत ज्यादा इसका जो है ना, मैंने पैकिंग जो है ना पूरा हिमाचल का लुक लेके, ये लेडीज का है, नहीं वो जेंट्स है, और 2860 हो गया, 2860 हो गया, 2860 हो गया, 2800 नहीं हो गया, और कुछ ये कितने का है, तो सौरभ आज पूरे दुकान खरीदने के ट्रस्ट लगे हुए हैं, सौरभ निकल के आ रहा है हलसो करने के लिए, मेरा नाम लिखो सौरभ ही है, और यहाँ पे थोड़ा सा अभी देखिए बाहर का नजारा, काफी हवा चल रही है और हम निकल चुके हैं, और हमें बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, भैया आपका टी शर्ट गिरा, ये मेरे, ओ सॉरी। तो अभी हम लोग शॉपिंग करने के बाद हिमाचली लुक में निकलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, कि ये है आपका ओल्ड मनाली में ये गवर्नमेंट स्कूल है, उसके जस्ट ऑपोजिट में ये शॉप है, तो अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने एक हिमाचली का ये कुर्ता ब्लैक वाला पसंद किया है और काफ़ी शानदार लुक दे रहा है यहाँ पे, तो आपको कभी भी आना होगा तो आप सौरभ के नाम से, क्योंकि सौरभ ने ज़्यादा अच्छी दोस्ती बना ली इन दोनों में, तो बोल देना कि हम सौरभ के दोस्त हैं, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ये 400 मेरा है ना, जी जी, 300, ये 300 किसका है, मेरा है, ठीक है, और क्या बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडा पानी ठंडी लग सकती है, तो प्लीज़ इसमें इस जो धारा है इसमें बिल्कुल भी पैर हाथ ना रखें, नहीं तो बहुत ठंडी लग सकती है।
हेलो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 6:30 और फिर से हम लोग निकल चुके हैं चाय पीने के लिए। तो सोचे कि चलो आपसे थोड़ा मुलाकात हो जाए, तो वीडियो बना रहे हैं, देखते हैं आसपास कुछ वॉकिंग हो जाएगा शाम का, उसके कारण हम लोग घूमने जा रहे हैं द कल्चर नेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर विद कनेक्शन 100 Mbps स्पीड। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या है प्राइस और कैसा क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही, और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे सौरभ भी पता करने के लिए गए हैं क्या है, और वहाँ पे बुलाते हुए कि देखिए क्या मिल रहा है। तब तक कुछ अच्छा ऑफर मिल चुका है, प्लेस लव, ओ माय गॉड, 2 ऑप्टिकल फाइबर वाईफाई कनेक्शन 100 Mbps। और यहाँ पे रिव्यूज़ देख रहे हैं, मेरा हॉस्टल इस बेस्ट, जय माता दी, लेट्स रॉक। और यहाँ पे देखते लव दिस प्लेस, आवर फर्स्ट मनाली ट्रिप, फीलिंग एकदम मस्त। जो है वो हॉस्टल प्योर हॉस्टल है, ये देखते हैं कि ये कैसा हॉस्टल है, मतलब आपको बेड शेयर करना पड़ेगा, और व्यू भी काफ़ी शानदार है, यहाँ से देख सकते हैं, मतलब हॉस्टल में है कि। और ये देखो ऊपर का प्लेस आपको दिखाते हैं, क्या प्लूटो, कैसे पता, अभी बोला ना प्लूटो, और नीचे उसमें भी लिखा हुआ है क्या, नहीं प्लूटो नाम है हमारा बेटा, नीचे भी लिखा हुआ था वो नाम। द कल्चर नेशन। दोस्तों अभी हम लोगों ने द कल्चर नेशन विजिट करने गया था, काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ है, बट थिंग इज कि हम लोग को थोड़ा रूम सेपरेट चाहिए, तो चाहिए ना सेपरेट वाला, वो इस सब में नहीं मिलेगा। हाँ। दोस्तों ये है रात का नज़ारा, अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कुछ खाने के लिए। क्या बोलना चाहता है यहाँ पे, बस चाय का वेट कर रहे, और वाइब यहाँ पे फुल है, फुल एंड वाइब, गजब स्वैग, स्वैग जो वर्ड स्वैग हुआ है, आई थिंक यहाँ पे आने के बाद इन्वेंट हुआ एक नंबर। हम लोग बस एक ही जगह पे आते हैं, हमारा फेवरेट स्पॉट बन चुका है इस होटल का, और हम लोग यहाँ पे आके चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, टाइम पास करते हैं, मज़ा आता है यहाँ पे मनाली की शाम की चाय एंजॉय करते हुए, काफ़ी शानदार। ठंड में चाय का मज़ा कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एक नंबर गजब। नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग अभी क्या बोलते हैं, लोकल मनाली जो कि ओल्ड मनाली है, इसका नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए, मनाली का दूसरा दिन है, आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ भी मिल जाता है, हम लोगों ने डिनर कर लिया, और डिनर करने के बाद हम लोग को एक वॉक चाहिए, और ये वॉक नॉर्मल वॉक नहीं है, काफ़ी लंबी वॉक होती है हमारी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी मज़ा आता है। तो हम लोग जा रहे हैं फिलहाल, और जाने में तो कोई दिक्कत होता नहीं है, मेन दिक्कत हमें आने में होता है, क्योंकि आने में काफ़ी क्या करनी पड़ती है, आपका रेजिस्टेंस होता है पहाड़ पर, उसका आता है स्लोप होते हैं पहाड़ पर, एग्जैक्टली। हम लोग स्ट्रीट हम लोग कवर कर चुके हैं, तो फिलहाल हम जाते हैं, अगर कुछ हमें नई चीज़ दिखी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये जो सुबह में हम लोग दोपहर में गए थे वो वाला प्लेस रात में कैसा दिखता है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने सुबह में काफ़ी इंजॉय किया था, और हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि काफ़ी एक्सपर्ट हैं सपने में। तो आप ये जो रिवर है क्रॉस कर सकते हैं इस ग्रोप के थ्रू, इसको रैपलिंग बोलते हैं हम थोड़ा नीचे आके देखेंगे कैसा व्यू आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा बैठने को मिलेगा। तो सोचे कि ये दिन में तो देख ही चुके थे, बट रात में सोचे थे कि रात में कैसा दिखता है यहाँ पे, ठंड कैसा लगता है, बट रात में बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि अब ये पानी का जो फ्लो है, अब मुझे धीरे धीरे ठंड लग रही है, मुझे 2 मिनट यहाँ पे बैठे हुए हुए हैं, और अभी काफ़ी यहाँ पे ठंड लग रही है दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड नाइट।